हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे डिमोटिवेटेड हैं। मेरी बात होती रहती, काफ़ी बच्चों के मेल भी आते हैं, तो उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मेरे पॉइंट्स याद रखना, काफ़ी एग्ज़ाम के दिन वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में मेरे पॉइंट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं इसे धीरे धीरे वीडियोज़ बनाते जाऊँगा, जो कि पूरा जिसका मेन फोकस रहेगा कि एग्ज़ाम के डे है ना, जो एग्जाम का मेन डे है, उस दिन आपको क्या क्या प्रिपरेशन के साथ जाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे उनको कैट, जैट, आईआईएफटी, देन सीमैट और आईपीमैट, आईपीमैट खैर 12th के बाद एक एग्जाम होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एलआरडीआई, कैट के एलआरडीआई 17, 18, 19 का, प्लस अच्छे अच्छे एलआरडीआई के क्वेश्चंस, प्लस कैट 1990 से लेके अभी तक के जितने भी क्वांट के क्वेश्चन हैं ऑफिशियल, है ना, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सिमिलरली जेड मिल जाएगा, आईएफटी और सीमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये आपको कैसे मिलेंगे, एक पीडीएफ है हमारी, उसमें सब की ये लिंक की नेम, ड्यूरेशन और लिंक दी हुई है, वो आप हमें मेल पे ले लीजिएगा। मेल आईडी लिख लीजिए creators2206@gmail.com। इस पे आप अपना, आपको क्या क्या भेजना है मैं बता देता हूँ। नेम, एज, सिटी, देन नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ये आप हमें सेंड कर दीजिएगा तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना जीमेल आईडी की। ठीक है, तो ये जो आपको हम भेजेंगे, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, है ना, जो आपको याद रखने। तो कैट के दिन आपको क्या क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार हल्का सा चेंज है, कई बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, मैं जानता हूँ, है ना, तो उनके लिए है ना, मास्क पहन के जाइएगा, ग्लव्स भी इसमें मेंशन है, तो ऐसा ना हो कि आप ग्लव्स ना ले जाओ, भले ही वहाँ पर जाके वो कुछ भी करवाएं वो अलग बात है, मास्क पहनना है आपको, ग्लव्स पहन के जाना है, पेन ले जाने दो, है ना, सिंपल पेन लिखा था। ठीक है, 50 ml, आई थिंक उन्होंने 50 ml का सैनिटाइजर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेन चीज़ जो उसमें, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, देन दो पेन, है ना, फिर एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ तो ले ही जाओगे, बिना उसके एंट्री कैसे मिलेगी। और इस बार सेंटर के बाहर उन्होंने लिखा है कि जो हर साल पहले वो सेंटर के बाहर आपके रूम की लोकेशन बता देते थे, तो वहाँ पे भीड़ लग जाती थी, सब बच्चे देखने लगते थे, तो इस बार उन्होंने क्या किया है कि आपको एट अ टाइम ही बताएंगे कि आपको कौन सा रूम एलोकेट हुआ है, तो बाहर इस बार डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगेगा, ऐसा उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो एक बार एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जिससे आपके परसेंटाइल इंक्रीज़ हो जाए। देखो, जितना पढ़ना था वो अब आप पढ़ चुके हो, पहली चीज़ ये, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही मेन चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, लेकिन हाँ, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अच्छे खासे कॉन्फिडेंट हो तो आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। ठीक, तो आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आपने जो भी पढ़ाई की है अच्छे से की है और आपके एक बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे। हाँ, अभी जो एक आध हफ्ता अप्रॉक्सीमेटली जो बचा है, 1 वीक, उसमें आप रिविज़न अच्छे से कर लो। रिविज़न के लिए हमारा कैट 300 भी बेस्ट है, लेकिन हाँ, वो उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी हुई है, इस वीडियो के एंड में भी दी हुई है, अगर आपको परचेस करना हो तो कर सकते हो। तो इस एक हफ्ते आप अपना रिवीजन करो, नया कुछ मत पढ़ना, नया कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई टॉपिक अगर आपको टफ लगता है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब आगे भी मत पढ़ो, लेकिन हाँ, जितना पढ़ चुके हो उसको बहुत अच्छे से कर लो, किससे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वो आपसे बन जाए। प्लस पैटर्न को लेके चिंता मत करो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप अपना जबरन दिमाग ख़राब करोगे, है ना, क्योंकि जो भी पैटर्न आएगा वो सबके लिए बराबर क्या रहेगा, है ना, ऐसा तो नहीं आपके सिस्टम पे कोई अलग पैटर्न आ गया, दूसरे के सिस्टम पे कोई अलग आ गया, सबके लिए सेम ही, तो उसके बारे में क्यों दिमाग ख़राब करना। अब मेन जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है, मॉक में अगर आपके जो भी इंस्टीट्यूट के आप मॉक दे रहे हो उसमें अगर लो स्कोर आ रहा है तो अब घबराओ मत कि अगर इसमें लो आ रहा है तो हमारा कैट में भी लो आएगा, ऐसा नहीं है। मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर्स का, कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे रहे कि मॉक में उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया है ना, मॉक में मान के चलो वो 50 परसेंटाइल के आसपास ही लाते थे,
लेकिन रियल कैट में उनके 80+ आ गए। एक आध दो बच्चे तो ऐसे जो 90+ ले आए। एक मेरा स्टूडेंट था, उसके तो मॉक में 50 के आसपास ही आते थे, लेकिन जेड जो कि कैट से भी टफ होता है, उसमें उसके 94% आ गए थे। तो मॉक से आप अपने आप को रिलेट मत करना कि मॉक में अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कैट में भी अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मॉक जो भी आप दे रहे हो, अगर आगे भी देने वाले हो अगले एक हफ्ते में, तो उसमें उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना। मैं हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ, जो इजी है, इजी क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए, और ये जो इजी क्वेश्चन है यही बना के आप 90+ परसेंटाइल आराम से ला सकते हो, ठीक है। और अगर मीडियम हो, थोड़े हाई लेवल के कर लिए, तो आई एम निकाल लोगे, 98-99+ आराम से आ जाएंगे। देखो, मेरे विदाउट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ वर्बल एबिलिटी, मैं कैट आई एम इंदौर ने जो कंडक्ट करवाया था उसमें 98.86 ओवरऑल में ला चुका हूँ। इसमें मैंने वर्बल एबिलिटी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। तो आपको अगर पेपर देना आता है, जैसे आप मेरे से सीख सकते हो, देखो दो सेक्शन की दम पे मैं 98.86 अप्रॉक्सीमेटली 99 परसेंटाइल ला चुका हूँ। वर्बल का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। तो आपको इजी क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। अगर आप इजी क्वेश्चंस और मीडियम लेवल के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपका अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा। हाँ, 99 के लिए फिर आपका कोई एक आध दो सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होने चाहिए, 3 में से, है ना। तो मेरा तो मैथ्स और एलआरडीआई यही वैसे, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, उम्मीद है इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। प्लस अगर आपकी क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ने की आदत नहीं है, तो एलआरडीआई में, खास तौर से एलआरडीआई में, एक बार जो ये मान लो स्क्रीन है, यहाँ पे टॉप पे जो क्वेश्चन पेपर लिखा होता है, इसको एक बार क्लिक करके देख लेना, और सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन जो आपको लगे उसको अटेम्प्ट करना, है ना। तो इजी क्वेश्चन से अगर आप एलआरडीआई की शुरुआत करोगे तो आपके एक अच्छे परसेंटाइल आने की बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद रहेगी। क्योंकि नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, अगर वो शुरुआत में ही टफ क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना, और उसमें टाइम खराब कर देते, तो आखिरी में जो इजी क्वेश्चन रहता है उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता, तो पूरा एलआरडीआई का सेट बिगाड़ देते हैं। इसलिए एलआरडीआई में तो इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत करना, खैर तीनों सेक्शन में यही करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलआरडीआई में तो इजी क्वेश्चन से ही आप शुरुआत करना, ठीक है। क्वांट में जो जो टॉपिक आपके हो गए उन्हीं का अच्छे से रिविजन कर लो, नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब नया टॉपिक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, अच्छे से रिवाइज कर लो। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, जैसे वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें क्या है, मान लो किसी का वर्बल एबिलिटी बिगड़ गया, है ना, तो डिमोटिवेट हो जाता है, तो एलआरडीआई भी बिगाड़ लेता है थोड़ा बहुत। मान लो एलआरडीआई वर्बल एबिलिटी ठीक चले गया, एलआरडीआई बहुत टफ लगा उसको, एलआरडीआई पूरा बिगड़ गया, है ना, तो फिर सोचता है अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो क्वांट भी पूरी बिगाड़ लेता है। ऐसा मत करना, हर सेक्शन को इंडिविजुअली देखना। मतलब वर्बल एबिलिटी जैसे ही आपका अटेम्प्ट हो जाए तो वर्बल एबिलिटी को फिर भूल जाओ कि कैसा गया क्या गया, ठीक है। अपनी तरफ से तीनों सेक्शन को अलग अलग देखना, एक सेक्शन का फर्क दूसरे सेक्शन पे मत आने देना, नहीं तो आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। वर्बल एबिलिटी जैसे ही हो भूल जाओ, फिर एलआरडीआई जैसे ही हो उसको भी भूल जाओ, नए सेक्शन को नए दिमाग के साथ देखो। खैर ये नया दिमाग अलग सा शब्द बोल दिया मैंने, लेकिन समझ गए होगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एकदम फ्रेश माइंड से हर सेक्शन को सॉल्व करो। और हाँ, इनकेस अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो एग्जाम देते समय, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप एग्जाम देते समय डिमोटिवेट हो रहे हो, तब 1 to 2 मिनट का ब्रेक लेके, है ना, या 2 सेक्शन के बीच में 1 to 2 मिनट का ब्रेक लेके, अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है, ये तब की कंडीशन बता रहा हूँ, है ना, ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब ये मत सोचना 2 मिनट का लॉस हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट का जो लॉस होगा, बचे हुए 38 मिनट आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इनकेस मान लो आपका कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, ऐसा ना हो भगवान करे, मेरा उम्मीद है कि, या मुझे लगता है कि आप सभी के तीनों सेक्शन बहुत अच्छे जाने चाहिए, लेकिन इनकेस आपको लगे कि कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है इसलिए बता रहा हूँ, तो आप 1 या 2 मिनट का रेस्ट कर लो, मेडिटेट कर लो, आँख बंद करके, एकदम आँख बंद करके मेडिटेट करना, उसके बाद 1 या 2 मिनट में आप रिलैक्स हो जाओगे, है ना। मेरी बात मानो, अगर आपने 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, आंख बंद करके बैठ गए आप जहाँ भी बैठे हुए हो, है ना, कुछ नहीं सोचना है उसमें, है ना, आप एकदम शांत हो जाओगे, फिर आप पूरे कंसंट्रेशन से बाकी का जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ये मेरा तरीका, ध्यान रखना, ये मैं
अपने ऊपर कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है बहुत इफेक्टिव तरीका है, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो support@thecreatorsworld.com पे, है ना। मैं कोशिश करूँगा कॉमन डाउट्स का फिर से वीडियो बनाने की, तो आपको कोई भी कैट से रिलेटेड डाउट हो आप पूछो, उम्मीद है कि हम उसके सॉल्यूशन का वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, और अगर कैट 300 अभी भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, है ना, तो आप उसको परचेस कर लो, स्क्रीन पे उसकी डिटेल्स दिख रही होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।